नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और स्वागत है आपको लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल में। आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे SBI रिवार्ड पॉइंट यूज करके आप कैसे मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं या तो SBI रिवार्ड पॉइंट को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि कैसे आप SBI रिवार्ड पॉइंट जो है अकाउंट है वो एक्टिवेट करा सकते हैं, कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आपने अगर नहीं जानते कैसे इसमें अकाउंट बनाया जाता है, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख के आपका अकाउंट बना लीजिए। दोस्तों, हम जो भी ऑनलाइन आपका ATM का यूज करते हैं या तो कहीं भी शॉपिंग मॉल में हो या तो इंटरनेट बैंकिंग से कुछ ट्रांसफ़र करते हैं पैसा या तो कुछ शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कोई भी और कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं ऑनलाइन, तब हमारे को कुछ पॉइंट्स मिलता है, रिवार्ड्स पॉइंट मिलता है। उस पॉइंट को एक अकाउंट SBI रिवार्ड नाम का एक अकाउंट है, उसको आपको ऑनलाइन एक्टिवेट करना पड़ता है, उसमें जमा होता रहता है और 4 पॉइंट का 1 रुपया मिलता है और हम उसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए, हमें वो रिवार्ड पॉइंट कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे रिवार्ड पॉइंट को यूज़ करके मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, उसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे देखे लाल बटन में क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, हम गूगल में चला जाते हैं। गूगल में चला जाएंगे और हम SBI रिवार्ड यहाँ पर सर्च करेंगे, SBI रिवार्ड्स, और इसे सर्च करने के बाद जो पहला वाला ऑप्शन आएगा लॉगिन टू स्टेट बैंक रिवार्ड, इसको हम इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे और ये हमें SBI रिवार्ड का होम पेज में ले जाएगा। देखिए, यहाँ पे अभी हमारा जो यूजर ID और पासवर्ड है उसको डाल के हम यहाँ पे लॉगिन हो लेंगे। देखिए दोस्तों, हम इस वेबसाइट में अभी लॉगिन हो चुका हूँ। जो हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद हम लॉगिन होने के बाद ये फेस यहाँ पे नज़र आते हैं। तो हम सीधा से जाते हैं, हम मोबाइल रिचार्ज करके देखते हैं। हम पहले हमारे पास कितना पॉइंट्स है वो देखना चाहूँगा। यहाँ पे क्लिक इसके ऊपर कर्सर रखेंगे तो देखेंगे रिवार्ड्स पर 93.77 है, मतलब मेरे पास 40, 10, 20 रुपया, 25 रुपया करीब मेरे पास पैसा है। तो मैं 10 रुपये का रिचार्ज करके देखता हूँ। अभी रिचार्ज में क्लिक करेंगे, मोबाइल डिटेल्स आप चूज कर सकते हैं, वहाँ पे चूज कर लीजिए। आप कुछ सामान भी खरीद सकते हैं इसको यूज करके। हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं, मोबाइल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। आप अपना मोबाइल नंबर जो हो उसको डाल दीजिएगा। मैं अभी यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ। फिर यहाँ पे ऑपरेटर सिलेक्ट करेंगे, जो मेरा मोबाइल ऑपरेटर है वो एयरटेल है, एयरटेल सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे सिलेक्ट रीजन कहाँ कहाँ है और वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैं अपना यहाँ पे मेरा स्टेट असम का पड़ता है, ये नंबर असम का है तो असम सिलेक्ट कर लेते हैं और अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। आप चाहे तो इस लिस्ट से भी आप जो भी टॉपअप हो और पैक हो यहाँ से सिलेक्ट करके आप डाल सकते हैं। हम मैं फिलहाल 10 रुपये का टॉपअप रिचार्ज करना चाहूँगा, 10 रुपये डाले। ये देखिए पॉइंट्स आपको कितना चाहिए, 40। फिर यहाँ पे हम प्रोसीड में क्लिक कर देंगे। यहाँ पे प्रोसीड में क्लिक करने के बाद आपको ऐसे फेस नज़र आएगा और यहाँ पे आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो आप प्रोफाइल में दिया गया था, जो आप रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया गया था, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप सिंपली यहाँ पे प्रोसीड में क्लिक करना है और अगर सब कुछ सही है तो प्रोसीड में क्लिक करना है। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद ये आप देखिए यहाँ पे एक बार कॉन्फर्मेशन आपसे मांग रहा है, आपके पास कितना पॉइंट्स है। यहाँ पे देखिए 93.77 पॉइंट्स है और इस 10 रुपये का रिचार्ज के लिए मुझे कितना पॉइंट्स खर्चा होगा, तो 40 पॉइंट खर्चा होगा और पैसा अमाउंट पेड यूजिंग SBI डेबिट कार्ड। आप अगर SBI डेबिट जो अगर मान लीजिए हम 50 रुपये से ज़्यादा, मतलब 20 रुपये 25 रुपये था, 25 रुपये से ज़्यादा हम अगर खर्चा करना चाहते हैं, 30 रुपये का रिचार्ज करता है, तो 5 रुपये मुझे SBI डेबिट कार्ड को यूज़ करके देना पड़ता था। ये पूछ रहा है SBI अमाउंट टू बी पेड यूजिंग SBI डेबिट कार्ड इज 0, क्योंकि 10 रुपया करना चाहता है। 10 रुपया हमारा जो 40 पॉइंट है, 40 पॉइंट कट जाएगा, वहाँ से 10 रुपया कन्फर्म हो जाएगा। इसलिए हम आई अंडरस्टैंड एंड एग्री विथ बुकिंग पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन आप देखना चाहते तो इसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं और हम कन्फर्म में क्लिक कर देंगे। कन्फर्म में क्लिक करने के बाद ये हमारे को जो रिसिप्ट है वो दिखाई देगा। देखिए प्रोसीड हो रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर है
ये प्रोवाइडर ट्रांजेक्शन नंबर ये है और स्टेट बैंक का रेफर नंबर ये है, इसके तहत आपका जो स्टेटस है वो सक्सेस। तो उम्मीद करता हूँ मैं जो बताने जा रहा था आपको समझ में आया होंगे, कैसे आप SBI रिवार्ड पॉइंट को यूज़ करके मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं वो जान गया होंगे। अगर ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों इजाज़त दीजिए, नमस्कार।